दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे पक्षियों से मिलाएंगे जो अपने बच्चों को अपना ही खून पिलाते हैं। यहाँ तक कि इनके पंखों में जहर तक पाया जाता है। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि किसी का बच पाना मुश्किल होता है। और हाँ, ये पक्षी इतने गुस्सैल होते हैं कि इनके सामने इंसान तक टिक नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं पक्षियों के बारे में। कैसोवारी, ये पक्षी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। ये पक्षी ईमू और ऑस्ट्रिच के बाद तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। कैसोवारी इतना खतरनाक और खूंखार जानलेवा पक्षी होता है कि इसका नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। कैसोवारी के ऐसा पक्षी है जो पल भर में इंसान की जान तक ले सकता है। कहते हैं इसके वार से बचना मौत के मुँह से लौटने के बराबर है। यही वजह है जो इसे खूनी पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। इसके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ सकता है। ये पक्षी अपने दोनों पैरों से इतना जोरदार हमला कर सकता है कि आपकी हड्डियां टूट सकती हैं और आपको जिंदगी भर अपाहिज बनना पड़ सकता है। इस पक्षी को प्रीहिस्टोरिक बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ तक डायनासोर के जमाने का लगता है। पितोही बर्ड, ये छोटा सा पक्षी पपुआ न्यू गिनी कंट्री में पाया जाता है। जी हाँ, इस छोटे से पक्षी को देखकर लगता होगा कि कितना क्यूट है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पितोही पक्षी के इन सुंदर पंखों में दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जिसको छूने भर से ही आपके हाथों में इन्फेक्शन, यहाँ तक कि आपकी मौत तक हो सकती है। छोटे कीड़े मकोड़े खाकर ये पक्षी इस जहर को डेवलप करता है, ताकि बड़े शिकारियों से खुद को बचा सके। और इसी पर रिसर्च करते हुए अब वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पितोही बर्ड किस तरीके से इस जहर को डेवलप करता है। वैम्पायर ग्राउंड फिंच, इस पक्षी का नाम बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसका यह नाम इसकी डाइट की वजह से पड़ा है। ये पक्षी खाना नहीं खाता है, बल्कि खून पीता है। जी हाँ, यह अनोखा पक्षी सिर्फ दुनिया के वॉल्फ एंड डार्वन आइलैंड पर ही पाया जाता है। ये अपनी तीखी चोंच से किसी भी पक्षी के शरीर में एक छेद बनाता है, जिसमें से रिसते हुए खून को ये लगातार पीते रहते हैं। शिकार करने की ये दुर्लभ टेक्निक सिर्फ इसी बर्ड में पाई जाती है। बाकी के पक्षियों में इस तरह की टेक्निक नहीं देखी गई है। इसी वजह से ये पक्षी काफी अनोखा और रेयर माना जाता है। स्पूर विंग्ड गूस, जी हाँ, ये पक्षी बिल्कुल दिखने में बत्तख जैसा होता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि ये पूरा ही जहरीला होता है, जिसको कि छूने भर से ही आपको काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इसकी डाइट में जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसके पूरे शरीर में जहर डेवलप होता है, जो इंसानों के लिए खतरनाक है। साउदर्न गेंट पेट्रल, इस पक्षी का नाम सबसे खूंखार पक्षियों में लिया जाता है। ये अपनी नुकीली चोंच की मदद से अपने शिकार पर हमला करता है और उसके शरीर पर घाव बना देता है। साउदर्न ओशन में पाए जाने वाला ये पक्षी इतना खूंखार होता है कि शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करता और उसके शरीर को नोच खाता है। समुद्र के आसपास घूमने वाले जानवरों में इस पक्षी का इतना खौफ है कि इसकी आवाज़ से भी डरते हैं। पानी के साथ ये जमीन पर भी शिकार करता है, लेकिन ये शिकारी पक्षी पानी में शिकार करने में माहिर होता है, इसलिए पानी में ज़्यादा शिकार करता है। ये पक्षी बहुत ही चालाक होता है, ये हमेशा ग्रुप बनाकर हमला करते हैं। वैसे तो ये छोटे पक्षियों का शिकार करता है, लेकिन कई बार ये बड़े पेंगुइन का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। पेरेग्राइन फाल्कन, बाज एक खतरनाक शिकारी पक्षी है, जो बड़े से बड़े शिकार को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हटता। फाल्कन लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और हवा में ही अपने से भारी वजन के शिकार को भी ले जा सकते हैं। इसे छोटा बम और बड़ा धमाका कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये जमीन से लेकर पानी और हवा में भी शिकार करता है। कई बार तो हवा में उड़ रहे दूसरे पक्षियों पर भी ये शिकार कर लेता है, यहाँ तक कि ये इंसानों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। ब्रेडेड वॉल्चर, यानी कि लैमर कियर, इस विशाल का एक खौफनाक चेहरे वाले गिद्ध से डरना तो लाजमी है। जैसे इसके कारनामे हैं, उससे पूरा एनिमल किंगडम इस लैमर कियर से खौफ खाता है, और खाए भी क्यों ना। ऐसे इसके शिकार करने का तरीका काफ़ी अलग है। वैसे तो ये शिकार नहीं करते, लेकिन मरे हुए जानवरों को चट करने में सबसे आगे होते हैं। इनको हड्डी और उनका बोन मैरो खाने में बड़ा ही मजा आता है। कई बार ये बड़ी हड्डियों को ऊंचाई से पहाड़ पर गिराते हैं, ताकि हड्डी टूट जाए और उसका बोन मैरो निकल जाए। इस विशालकाय बाज की चौड़ाई 9 फीट तक होती है और वजन तकरीबन 7 किलोग्राम तक होता है। मेराबू स्टॉर्क, ये पक्षी ओरिजिनली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये अपने विचित्र रूप की वजह से
और अपने साइज की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बगुला है। ये स्टॉर्क देखने में इतना भयानक होता है कि इसको देखकर छोटे मोटे मैमल्स तो यूं ही भाग जाते हैं, यहाँ तक कि ये अपने से खतरनाक गिद्ध पर भी आसानी से हमला कर देता है। कहने को तो ये सिर्फ एक बगुला है, लेकिन काम ये सारे एक गिद्ध वाले करता है, या कहें कि उससे भी भयानक काम करता है। ये हर एक मरे हुए छोटे बड़े जानवरों को चट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ईमू। दोस्तों, ईमू शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वहाँ का नेशनल बर्ड भी है। वैसे तो ईमू को दुनिया भर में मुर्गी पालन के तौर पर पाला जाता है। इन्हें इनके अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। ये बहुत ही फुर्तीले पक्षी होने के साथ साथ शेर की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। ये बहुत ही निडर होते हैं। ये कभी भी अपने दुश्मन से डरकर नहीं भागते हैं। क्या आप जानते हैं कि सन 1932 में ऑस्ट्रेलिया में ईमू वॉर हो चुका है, जिसमें इंसान और ईमू लड़े थे। जी हाँ, इस युद्ध में इंसान हथियार होते हुए भी हार चुके थे और ईमू यानी कि पक्षियों की जीत हुई थी। शेरिक बर्ड। ये एक मांसाहारी चिड़िया है और इसके शिकार करने के तरीके की वजह से इसको बूचर बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये साइज में काफ़ी छोटी होती है और ये एक ऐसी चिड़िया है जो अपने शिकार को सुखा कर खाती है। ये सातिर चिड़िया जिन जानवरों को शिकार बनाती है उनमें से कई ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में जहर होता है और उन्हें सीधे खाने से चिड़िया मर भी सकती है। इसलिए पहले ये शिकार को पकड़कर किसी पेड़ पर ले जाती है और फिर अपनी चोंच से उसे मारकर किसी कांटे में फंसा देती है। जब ये शिकार सूख जाता है तो उसके शरीर से जहर खत्म हो जाता है और तब वो अपने शिकार को खाती है। ये पक्षी इतना स्मार्ट है कि किसी शिकार को पहचान सकता है कि किस शिकार में जहर है और किस शिकार में नहीं। द ग्रेट पोटू। ये रात को जागने वाला शिकारी पक्षी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ये एक निशाचर पक्षी है यानी कि दिन में सोते हैं और रात में जागकर शिकार करते हैं। ये अपने इस एबिलिटी के तौर पर दिन में ऐसे छिपे रहते हैं मानो ये एक लकड़ी के तने जैसे हों। देखने पर तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन ये क्यूट है नहीं, ये बहुत ही खतरनाक पक्षियों में गिने जाते हैं जो कि बड़े से और छोटे इंसेक्ट सभी का शिकार कर लेते हैं, वो भी अपनी इस चोंच से। इसकी शिकार की लिस्ट में लगभग सभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अगर आपने आज से पहले इस पक्षी के बारे में सुना था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैप्पी ईगल यानी कि क्राउन हॉक। ये नाम इसको इसके क्राउन की वजह से मिला है जो कि इसके ठीक सिर के ऊपर होता है। बाज एक खतरनाक शिकारी पक्षी है जो बड़े से बड़े शिकारी को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। बाजों में क्राउन हॉक बहुत ही ताकतवर होता है और अपने शिकार को पकड़कर ही दम लेता है और इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो होता है, लेकिन ये अपने से भारी पक्षियों को आसानी से उड़ाकर ले जाता है। इसे छोटा बम बड़ा धमाका कहना गलत नहीं होगा। ये जमीन से लेकर पानी हवा हर जगह शिकार कर सकता है। कई बार तो हवा में उड़कर ये दूसरे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता है, यहाँ तक कि ये इंसानों पर भी हमला कर देता है। हे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।